फिल्म अभिनेत्री मनीषा कोइराला सुभाष घई की फिल्म सौदागर की ब्लॉकबस्टर कामयाबी से युवा दिलों की धड़कन बन गई थी। सौदागर की कामयाबी के बाद एक्ट्रेस को कई फिल्में मिली और वो दशकों तक लोगों की पसंदीदा अभिनेत्री बनी हुई थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उनकी जिंदगी में आए कुछ उतार चढ़ाव की वजह से उनकी फिल्मी पारी पटरी से उतर गई और मनीषा कोइराला को फिल्में मिलनी बंद हो गई। मनीषा के करियर में ऐसा क्यों हुआ, इसे लेकर वो पहली बार बोली हैं। मनीषा ने अपने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में कई खुलासे किए हैं। बॉलीवुड के साथ ही मनीषा कोइराला की साउथ की फिल्में भी अच्छी खासी चल रही थी, पर एक फिल्म के फ्लॉप होने के बाद मनीषा का साउथ का फिल्मी सफर खत्म हो गया था। मनीषा ने हाल ही में एक यूट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में इस बारे में बात करते हुए कहा है कि उन्होंने रजनीकांत के साथ बाबा नाम की एक फिल्म की थी जिसके निर्माता भी रजनीकांत खुद ही थे, मगर बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म फ्लॉप हो गई। इस फिल्म के फ्लॉप होते ही साउथ की फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया था। मनीषा ने इसके लिए सीधे तौर पर रजनीकांत को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि रजनीकांत की यह फिल्म उनके जन्मदिन पर 2022 में जब दोबारा रिलीज की गई तब इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई की थी। इस फिल्म में पहले मनीषा कोइराला की जगह ज्योतिका को कास्ट किया गया था, लेकिन किसी वजह से वो इसका हिस्सा नहीं बन पाई और फिर इस फिल्म के लिए मनीषा कोइराला को कास्ट किया गया। पहले यह फिल्म 2002 में रिलीज हुई थी और तब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। यह फिल्म सुपर नेचुरल पावर पर आधारित थी जिसे रजनीकांत ने ही लिखा था। इस फिल्म को अपने संगीत के जादू से संगीतकार ए आर रहमान ने सजाया है। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें